हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ों को बुला देते हैं, मगर दोस्तों गूगल भाई जान हमारा पुराने से पुराना डाटा ऐसे संभाल कर रखता है जैसे इस अपने घर निकल जाना हो। बाय दी वे दोस्तों, गूगल हर साल हर मुल्क की टॉप 10 सर्चिज साल के एंड पर लॉन्च कर देता है कि किस मुल्क में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च की गई है। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, मैं आपको शॉक कर दूंगा। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की नंबर वन और नंबर टू आपकी भी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि हाल ही में इनकी वीडियोस लीक हुई हैं जिनकी वजह से इनको सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल मिली है और लोगों ने इनको और इनकी लीक वीडियो को काफ़ी सर्च किया है और दोस्तों इनकी हरकतें आपको शॉक कर डालेंगी। दोस्तों हमारे नंबर 10 की लिस्ट पर हसीबुल्ला खान है, जो एक शानदार पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जलमी के लिए खेलता है। दोस्तों ये बल्लेबाज काफ़ी हुनर और फेम रखते हैं और इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली है और पाकिस्तानियों ने गूगल पर इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर हैं साउद शकील, जो एक नौजवान पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। इन्होंने जुलाई 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अपने बैन अलावामी और वनडे कैरियर का आगाज़ किया। जुलाई 2023 में वो मेज़बान के खिलाफ श्रीलंका में टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए और इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिली है। दोस्तों लिस्ट में नंबर 8 पर शबमन गुल हैं। दोस्तों शबमन गुल एक नौजवान हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में हिंदुस्तानी टीम के लिए नुमाइंदगी करता है। इन्हें असली दुनिया के क्रिकेटर के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है और पाकिस्तानियों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इनको पाकिस्तान में भी काफ़ी फेम मिली है। दोस्तों लिस्ट में नंबर 7 पर ग्लेन जेम्स मैक्सवेल हैं, जो एक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज 2012 में किया। शोहरत की कारकर्दगी का इनका हालिया बड़ा दावा ऑस्ट्रेलिया के लिए 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में विन इनिंग्स का खेलना था और इनको भी काफ़ी ज़्यादा फेम मिली है। दोस्तों लिस्ट पर नंबर 6 पर अनवरुल हक काकर हैं। अनवरुल हक काकर मौजूदा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं जो निगरान सेटअप पर हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपने के बाद इक्तदार में आए। इनका तल्लुक बलूचिस्तान से हैं और गूगल पर इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर उस्मान खान हैं। उस्मान खान एक शानदार पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। वो दाएं हाथ के पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जो PSL के लिए भी खेलते हैं। वो गुज़श्ता PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते थे। अब दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर अब्दुल्ला शफीक हैं। दोस्तों अब्दुल्ला शफीक को नहीं जानता। अब्दुल्ला शफीक एक पाकिस्तानी बैन अलावामी क्रिकेटर हैं जो तमाम फार्मेट्स में पाकिस्तानी क्रिकेट कौम के लिए और टीम के लिए खेलता है। वो दाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं। वो PSL में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं। अब दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर टाइगर श्रॉफ है। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक मकबूल अदाकार हैं जो अपनी शानदार अदाकारी और रक्स के लिए जाने जाते हैं। अदाकार के भारत और पाकिस्तान में लाखों मद्दा हैं और इनको भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 और नंबर 1 पर ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनका आपको बेताबी से इंतज़ार था। तो दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर अलीज़ा सहर है। दोस्तों अलीज़ा सहर एक नए नौजवान और बलासहारियत पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनकी बुनियादी दिलचस्पी लाइफस्टाइल और ब्लॉगिंग है। वो एक गांव वाली ब्लॉगर के तौर पर जानी जाती हैं। इस साल अलीज़ा सहर ने भी शादी कर ली है और उनकी शादी की वजह उनकी लीक्ड वीडियोस हैं। और अब दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर एक सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन दोनों ही हैं, इनका भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। तो दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर हरीम शाह है। हरीम शाह मकबूल पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं जो अपने शानदार हॉट सिकिंग वीडियोस और अपने सियासी असर और रसूख के लिए मशहूर हैं। टिकटॉकर को अक्सर मुख्तलिफ तनाज़ात के लिए खबरों में भी रहती हैं। वो बरतानिया में रहती हैं मगर ताल्लुक पाकिस्तान से है। दोस्तों कुछ दिनों पहले इनकी काफ़ी बड़ी तादाद में वीडियोस लीक हुई थी जो इनकी दोस्तें ही की थी, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जा रहा था। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।